हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि माचिस के डिब्बे और माचिस की तीलियां कैसे बनाई जाती हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड की न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहले माचिस की तीली बनाने के लिए एक खास तरह के पेड़ को 2.5 फुट लंबाई में काटकर उसे शीट फाइलिंग लेथ मशीन में डाल दिया जाता है। लेथ मशीन इस पेड़ के हिस्से को एक प्लाईवुड के शीट की तरह एक पतले चादर शीट में काटते जाती है। हर एक शीट की लंबाई लगभग 20-25 फीट लंबी शीट का एक पूरा थप्पी तैयार किया जाता है। फिर तैयार किए हुए स्टॉक शीट को एक स्लाइसर मशीन में डालकर काटा जाता है, जिसमें पहले के कुछ खराब हिस्से काटकर अलग करके फाइनल 1 थिकनेस मोटाई और 4 सेंटीमीटर लंबाई में काटा जाता है। काटे हुए माचिस की तीलियों को एक खाली जगह रख दिया जाता है क्योंकि इस कटी हुई लकड़ियों में अभी भी नमी है, जिससे ये तीलियां ठीक से जलेगी नहीं। सूखे हुए तीलियों को एक कंपन वाले कन्वेयर मशीन में डालकर आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है, जहां इसके ऊपरी हिस्से में जलनशील केमिकल पेस्ट लगाया जाएगा जो ज्यादातर लाल रंग का होता है। हर एक तीलियां बड़ी बेहतरीन ढंग से कन्वेयर के जरिए पेस्ट में डुबाकर निकली जाती है, जिन्हें बाद में हीटिंग ड्रायर चैम्बर से गुजरकर एक जगह कलेक्ट किया जाता है। अब आते हैं इसके पैकेजिंग बॉक्स की तरफ, जहां एक परफेक्ट माचिस की डिब्बी को डायमेंशन अनुसार मशीन से आकार दिया जा रहा है, जहां इन बनी डिब्बों में माचिस की तीलियां डाली जाएंगी। दूसरी तरह ठीक उसी प्रकार माचिस की डिब्बियों की बाहरी पैकेजिंग यानी खोखे को बनाया जाता है, जिसमें दोनों तरफ एक खास किस्म की केमिकल लगी हुई है जो तीलियों के केमिकल पेस्ट के रगड़ खाने के बाद आग पैदा करती है। बनी हुई डिब्बी, उसकी बाहरी पैकेजिंग और तिलियां, ये सभी अब फाइनल पैकिंग प्रोसेस के लिए आगे अपने अपने पैकेजिंग और फिलिंग कन्वेयर मशीनों में भेजी जाती हैं। इन पैकेजिंग और फिलिंग कन्वेयर मशीनों में बनी हुई ढांचे के मदद से तिलियां अंदरूनी डिब्बी को परफेक्ट पैकेजिंग के हिसाब से सेट करके माचिस की तिलियां को भरा जाता है। जो आगे जाकर मशीन ऑपरेटेड लीवर से बाहरी खोखे में डाला जाता है, जिसमें 20 तैयार माचिस की डिब्बियां एक साथ बाहर आती हैं, जिन्हें आगे पूरा स्टॉक करके रखा जाता है। पूरा स्टॉक किया हुआ माचिस की डिब्बी एक सेट किए हुए रैक से निकालकर 20-20 का एक सेट फाइनल एक्सपोर्ट पैकेजिंग में भेज दिया जाता है।
यहाँ पर मशीनों से 10 का एक छोटा माचिस के डिब्बियों का एक पैकेट पहले तैयार होता है और उन तैयार हुए 10 बड़े पैकेट की फिर से एक बड़े पैकेजिंग पैकेट को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार करते हैं। और आगे एक लास्ट फाइनल एक्सपोर्ट पैकेट की ऐसी 10 बड़ी पैकेट का एक पार्सल पैकेजिंग बनाया जाता है जिसमें गोंद लगाकर पैकेजिंग पेपर से पैक करके हैं और कंपनी का लेबल लगाया जाता है। अब ये फाइनल पार्सल पैकेजिंग पैकेट अब डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंसी के पास जाने के लिए आगे भेज दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वीडियो और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। बहुत जल्द मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। Till then, have a great day. Jai Hind.